अगर चंद्रशेखर रावण जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं गोरखपुर से योगी के खिलाफ, अगर वहां समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट ना दे, बीएसपी अपना कैंडिडेट ना दे, कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सोचिए कांग्रेस कितना महीन खेलती है। कांग्रेस ये जरूर चाहती है कि जहां वो विपक्ष में वहां दूसरी पार्टियां चुनाव ना लड़े, लेकिन जहां आरजेडी के खिलाफ वो चुनाव लड़ते हैं, सपा के खिलाफ वो चुनाव लड़ते हैं, बीएसपी तो खैर यूपी बेस्ड पार्टी है तो उनको लड़ना भी चाहिए। तो चंद्रशेखर रावण के खिलाफ अगर आप बीजेपी से अगर नाराजगी है तो कम से कम चंद्रशेखर रावण को विधानसभा में पहुंचाना जरूरी है। और अगर अगर भी सपा जो है उस डैमेज कंट्रोल कर सकते, जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है, लोगों का गुस्सा बढ़ा है, अब जिस तरह से चंद्रशेखर रावण ने ऐलान किया कि वो गोरखपुर में योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जिस तरह से उन्नाव में कांग्रेस की जो उम्मीदवार बनी है, जो जो रेप पीड़िता की माँ है, और अखिलेश यादव ने कहा कि हम उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे, तो एक अच्छा मैसेज गया। उसी तरह से अगर वो चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते हैं तो यकीन मानिए एक फिर से बढ़िया मैसेज जाएगा, और जो एक नाराजगी है अखिलेश यादव से वो ठीक हो सकती है और लोगों को फिर से सिंपथी मिलेगा। मैं वही खत्म कर रहा था बात को कि राजनीति में परसेप्शन बड़ी चीज़ है। जिस तरह से एक परसेप्शन बना दिया गया मीडिया के जरिए कि बीएसपी सुप्रीमो की चुप्पी है, वो बीजेपी की बी टीम है, और नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम समाज जो है वो पूरी तरह से कट गया। वो वैसी को वोट करता है, कांग्रेस को कर सकता है जो हूबहू बीजेपी जैसी है, लेकिन वो बीएसपी को वोट करने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरह के परसेप्शन बन गए हैं। वहीं एक ये भी परसेप्शन बना दिया गया कि बीएसपी खेल में है ही नहीं। तो अखिलेश यादव के लिए भी चंद्रशेखर यादव रावण का जो पूरा प्रकरण हुआ है उसके बाद उनके बारे में परसेप्शन बन गया है कि वो शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, उन्होंने आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था। तो इन तमाम परसेप्शन को एक झटके में तोड़ा जा सकता है अगर सपा चाहे। अगर वो चंद्रशेखर रावण के पक्ष में खिलाफ कैंडिडेट ना दे तो फिर से, लेकिन उनको आके घोषणा करनी पड़ेगी। अब सोचिए ऐसे भी नुकसान नहीं है, 2 सीट वो चंद्रशेखर आजाद को दे ही रहे थे, तो 1 सीट पर वो अपना कैंडिडेट ना उतारे, एक परसेप्शन बनेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा। जैसे सोचिए लोकसभा में जिस तरह से सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, तो हम लोग कह रहे थे कि जो भी इस गठबंधन से निकलेगा उसको समाज उसके बारे में एक परसेप्शन बनेगा, और लोग उससे जो SC ST OBC माइनॉरिटी में जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो पेरियार को मानने वाले हैं, फूले अम्बेडकर को मानने वाले हैं, लोहिया को मानने वाले हैं, वो उस पार्टी से कटेंगे। तो ये न अखिलेश यादव को बहुत फायदा हुआ। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी की यूनिटी की जो बात हो रही है, अगर अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद रावण के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते हैं तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ेगी, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी, और लोगों को लगेगा कि अखिलेश यादव जो हैं वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुस्लिम भी और उनको फायदे होगा। ठीक जैसे आज चंद्रशेखर आज़ाद की समाजवादी पार्टी से नाराजगी थी, लेकिन इसका फ़ायदा चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं मिल रहा है, इसका फ़ायदा बीएसपी को मिल रहा है। उसके जो कुछ वोट टूट फूट थे वो और कंसोलिडेट हो गया, सोशल मीडिया पर और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, अपनी बातें लिखनी शुरू कर दी। तो सोचिए कि अगर अखिलेश अभी बोल देते हैं तो फिर से मुस्लिम समाज और एकजुट हो जाएगा, OBC के और भी लोग एकजुट हो जाएंगे, और शेड्यूल कास्ट में भी जो लोग चंद्रशेखर को पसंद करते हैं वो भी अखिलेश के लिए, कि चूंकि हमारे नेता को वो जिता रहे हैं 1 सीट से, तो बाकी सीटों पर अखिलेश यादव को वोट दें। अब पता नहीं अखिलेश जी के जो जो शर्मा जी मिश्रा जी लोग जो जो उनके सलाहकार हैं वो किस तरह से उनको गाइड करते हैं, खैर वो तो उन पर है, लेकिन परसेप्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो साफ है कि अगर अखिलेश यादव इस तरह की इनिशिएटिव लेते हैं तो उनको फायदा होगा। 1 सीट अगर वो चंद्रशेखर के लिए छोड़ते हैं और वो आके कहते हैं इसको मीडिया में कहते हैं कि हम चंद्रशेखर के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे क्योंकि योगी जी को रोकना है, तो यकीन मानिए कि बीएसपी जो शेड्यूल कास्ट की जो नाराजगी बढ़ी है सपा से वो थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा तक खत्म हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि क्या बीएसपी भी ये कर सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। अगर बीएसपी इस तरह से करती है तो उसकी भी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों की और सिंपैथी बढ़ेगी और मुस्लिम समाज का फ़ायदा जो है वो बीएसपी को होने लगेगा।
वो समर्थक जो मुस्लिम समाज के, वो हो सकता है बीएसपी की तरफ जाने लगे। तो एक परसेप्शन का खेल होता है राजनीति। आप बामन मिश्राम साहब का इंटरव्यू लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही वो हमसे मिलेंगे हम उनका इंटरव्यू लेंगे। बसपा बिना मीडिया के ही मजबूत नजर आ रही है, हालांकि यूपी में जबरदस्त तिकोना मुकाबला होने की संभावना है। नेपाल सिंह बिल्कुल। तो सोचिए, यही तो दिक्कत है, बीएसपी भी मजबूत है, सपा भी मजबूत है, लोग कह रहे हैं कांग्रेस भी मजबूत है, रावण भी मजबूत है। तो ट्रायंगुलर जब मुकाबला होगा तो बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, मान लीजिए 25% शेड्यूल कास्ट बीएसपी को मिल गया, 20% शेड्यूल कास्ट में से 10% वोट भी अगर ओबीसी काट लेते हैं, सपा ओबीसी के अगर आधा वोट मिलता है आधा बीजेपी को चला जाता है, तो बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। क्योंकि जो सवर्ण समाज है 10%, वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ बना हुआ है। तो ये एक बड़ी खबर थी, और मैं कह रहा हूँ कि चुनाव लगता है कि सोशल मीडिया से ही लड़ा जाएगा। तो सपा के पास फेसबुक बहुत मजबूत है, उनका फेसबुक पेज है, उनके पास यूनिट है, उनकी सारी रैलियाँ लाइव हो रही है, पब्लिक डोमेन में है, उनको किसी टीवी अखबार के वो मोहताज नहीं है। अखिलेश रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दो दो भाषण, आज भी कृष्णा पटेल की जो बहन है पल्लवी पटेल, उन्होंने, माफ कीजिए, उनकी जो बेटी है पल्लवी पटेल, उन्होंने आज भाषण दिया है। तो सपा जो है वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब है उसका चैनल और सपा का अपना है, उसके बाद सोशल मीडिया पर उसके लोग भी सक्रिय हैं। लेकिन ओवरऑल बात करें तो सोशल मीडिया से जिस तरह से चुनाव की बात हो रही, तो बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके पास लाखों ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट हैं, उसके लाखों आईटी सेल भी हैं उसके पास। तो सोशल मीडिया, जिस तरह से टीवी अखबार तो ऑलरेडी उसके पास है ही, सोशल मीडिया पर भी वो बहुत मजबूत है। तो मुझे लगता है कि अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव है तो उनको एक्टिव होना चाहिए। मैं फिर कह रहा था कि राजनीति एक परसेप्शन का खेल है, और आपको बता दूं कि दिल्ली दंगे में आज एक यादव को सजा हुई है, ओबीसी को। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि SC ST OBC माइनॉरिटी को जातीय और धार्मिक हिंसा में नहीं शामिल होना चाहिए, नहीं तो वो बच नहीं पाएंगे। सोचिए, पब्लिक डोमेन में है कि किस तरह से कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर ने घृणा फैलाई, किस तरह से दंगा के लिए लोगों को उकसाया, लेकिन उनके खिलाफ एक FIR तक नहीं है, और एक OBC का जो कट्टर हिंदू बनने घूम रहा था उसको 5 साल की सजा हो गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी को किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक दंगा, जातीय हिंसा से दूर रहना चाहिए, और ये OBC की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सांप्रदायिक हिंसा रोके, जातीय हिंसा को रोके। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, चंद्रशेखर राव ने योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। क्या लगता है आप लोगों को, मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या अखिलेश यादव को कैंडिडेट नहीं देना चाहिए रावण के खिलाफ? इससे उनके जो थोड़ी बहुत खाई है वो पड़ सकती है। क्या बीएसपी को भी कैंडिडेट नहीं देना चाहिए? और जो लोग कह रहे हैं कि सारा विपक्ष एक बार चुनाव मिलकर लड़ी है, तो संभव नहीं, ईवीएम मशीन तय करेगी कि इसकी सरकार बनना है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अब जो है वो ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ, आप अभी बता दूँ, ओबीसी का वोट भी आधा आधा बट रहा है, शेड्यूल कास्ट का वोट अब रावण और मायावती जी के बीच बटेगा, मुस्लिम का वोट भी सपा ओबीसी और बीएसपी के बीच और रावण के बीच बटेगा। तो सबसे मजबूत और फायदे में अभी बीजेपी दिख रही है, ये मेरी निजी राय है, जो ग्राउंड पर हकीकत है वो। आप किसी पार्टी के समर्थक की तरह सोच सकते हैं, मैं पत्रकार की तरह आपको बता रहा हूँ कि किसका पलड़ा अभी भारी है और उसकी वजह क्या है। अगर ओबीसी के लोग एकजुट होते हैं अखिलेश के साथ या मायावती के साथ, तभी जाके, अगर मुस्लिम समाज पूरा एकजुट होता है अखिलेश या मायावती के साथ, तभी इन दोनों में से किसी का पलड़ा भारी होगा। अगर ट्रायंगुलर मुकाबला होता है तो बीजेपी बहुत ज़्यादा आगे है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और एक सवाल और एक किसी से और लूँगा, और दलित नेशनल दस्तक जो है वो कोई है, चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, पूरी बातचीत को ख़त्म करेंगे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक को यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दीजिए। तो देखते हैं, एक शख्स हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, अगर वो जुड़ते हैं तो ठीक है, उनसे बात करेंगे। तो ये थी यूपी की आज की बड़ी अपडेट, चंद्रशेखर राव ने भी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब देखना है कि जिस तरह से उन्नाव में रेप पीड़िता के खिलाफ सपा ने कैंडिडेट देने से मना कर दिया है, क्या वो चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कैंडिडेट विड्रॉ करते हैं? और अगर ऐसा करते हैं तो एक सीट भले सपा का जाता दिखे, लेकिन वोट के लिहाज से उनको बहुत फायदा होगा,
और ओबीसी के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, दलित और शेड्यूल कास्ट के लोग भी उनसे